बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद और मोहम्मद यूनुस की नई अंतरिम सरकार बनने के बाद वहां बहुत से बदलाव देखे जा रहे हैं। अब मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने चीन से एक गुजारिश की है कि वो बांग्लादेश को दिए कर्ज पर ब्याज दर को घटाकर 1% कर दे और इसके कर्ज की देनदारी की अवधि को 30 सालों तक बढ़ा दे। इसे लेकर बांग्लादेश ने चीन को एक पत्र भेजा है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन सचिव ने एक अखबार को बताया कि इसी हफ्ते की शुरुआत में बांग्लादेश ने चीन को पत्र लिखा है। वर्तमान में बांग्लादेश पर चीनी कर्ज की दरें 2-3% के बीच हैं और इन्हें आने वाले 20 सालों में बांग्लादेश को चुकाना है। ईआरडी अधिकारियों ने बताया कि अगर बांग्लादेश पर वर्तमान चीनी कर्ज की ब्याज दरों को कम नहीं करवा पाए तो वो नए कर्ज पर ब्याज कम कराने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन से आग्रह करेंगे कि वो नए कर्ज की देनदारी का समय भी ज़्यादा रखे। अब इन सबके बीच बुधवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश अपने तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में विदेशी कर्जों पर कम ब्याज दर और उनकी देनदारी का समय बढ़ाने की मांग कर रहा है। प्रोफेसर यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश ने चीन से अपने कर्ज पर ब्याज दरें कम करने और देनदारी की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। चीनी राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने अक्टूबर 2016 में बांग्लादेश के अपने दौरे में 27 प्रोजेक्ट्स का काम आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों में $20 अरब देने का वादा किया था। ये राशि बांग्लादेश को किसी भी साझेदार देश की तरफ से दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। दरअसल चीन की तरफ से इतना बड़ा कर्जे का वादा करने के बाद बांग्लादेश के अपने दौरे में 27 प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ाने के लिए आने वाले 4 सालों में $20 अरब देने का वादा किया था। चीन की तरफ से इतना बड़ा कर्ज का वादा करने के बाद बांग्लादेश और चीन के बीच कई प्रोजेक्ट्स को लेकर समझौते हुए। ईआरडी के आंकड़ों के अनुसार इस जनवरी तक बांग्लादेश और चीन के बीच केवल 9 प्रोजेक्ट्स पर समझौते करने में सफल रहे थे, जिनकी कुल राशि $8.08 अरब थी। चीन के दिए $8.08 अरब में से बांग्लादेश केवल $4.91 अरब का ही इस्तेमाल कर पाया है। अब अंतरिम सरकार का कहना है कि बाकी के 18 प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जाएगी ताकि वर्तमान हालात को देखते हुए उनकी आर्थिक प्राथमिकता निर्धारित की जा सके। बता दें कि चीन की तरह ही बांग्लादेश ने रूस से भी ब्याज दर कम करने और कर्ज की देनदारी बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिसकी जानकारी भी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने दी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।